ना मुझे इनवाइट करने के लिए इतने इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि बलूचिस्तान में इन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने जो इनिशिएटिव बलूचिस्तान के हवाले से लिया है, इस टाइम हमें इसकी ज़रूरत भी है। जैसे कि जफर साहब ने डिटेल में इस पे रोशनी डाली, अगर आप बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी देखिए, जो अकैक के COVID-19 के बाद हमारे सामने आया है, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिससे कि हमारे सूबे में बहुत ज्यादा एहतजाज भी हुए और हमारे स्टूडेंट रोडों पे भी आए। तो हम शुक्रगुजार रहेंगे उन अपने हजरात के जो हमारे बलूचिस्तान की ऐसे इश्यूज को मद्देनजर रख के हमारे लिए ऐसे पॉलिसी बनाते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे भी और हमारे जवान भी सोसाइटी के वो उस तबके में शामिल हो, जो कि अपने जिंदगी को जो है आसानी से सरवाइव कर सके। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी, जैसे कि आप लोगों ने तذکرہ किया कि तालीम फाउंडेशन ने अपना जो स्टार्ट बलूचिस्तान में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में काम किया है, तो मैं समझती हूँ कि फिर तालीम फाउंडेशन बलूचिस्तान के ग्राउंड रियलिटी जमीनी इकाई को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा कि वहाँ किस चीज की जरूरत है, हमारी बेसिक नीड्स क्या है। अगर उन्होंने बलूचिस्तान में काम किया है, तो उनको पता है कि हमारे बच्चे किस हालात में पढ़ते हैं और उनके पास से बेसिक जो नीड्स होते हैं वो भी उनके पास नहीं होते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में इतने टैलेंट है कि वो पूरे पाकिस्तान के साथ कम्पीट करते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं। मैं समझती हूँ कि अभी तो एक मैं सियासी बंदा हूँ, तो डेफिनेटली सियासत की तरफ जाऊंगी। जैसे कि मेरे लीडर ने कहा है कि मैं बलूचिस्तान को जो है पंजाब के बराबरी पे लाऊंगी इक्वल निज़ाम तालीम के लिए। तो अगर इस तरह के जिस तरह के तालीम फाउंडेशन ने हमारे लिए ये डिजिटल स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया है, तो इसको अगर हम जैसे कि आप लोगों ने तذکرہ भी किया कि गवर्नमेंट के साथ अगर मिलकर ये इस इनिशिएटिव को हम आगे ले जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के लिए जो भी हमारे जो सोशल वर्कर है, जो हमारे वो अजरात है जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो भी बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो हमारे लिए तालीम के मैदान में करें, क्योंकि हम तालीमी लिहाज से बहुत पीछे। कहने के तो बलूचिस्तान बहुत रिच सूबा है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप, अगेन मैं रिपीट करूंगी, अगर आप ग्राउंड पे जाओगे तो वो ग्राउंड रियलिटी पे वो चीजें आपको नजर नहीं आएंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान को माँ सिवाय अगर तालीम फाउंडेशन या चंद ऐसे इदारों ने अगर फोकस किया होगा तालीमी हवाले से, लेकिन इतनी बड़ी बलूचिस्तान है, इतना बड़ा सूबा है, तालीमी हवाले से हमें मजीद फोकस की जरूरत है। स्पेशली मैं समझती हूँ हमारी जो गवर्नमेंट के स्कूल है, अगर आप उनमें भी अपने ये जो आपका डिजिटल सिस्टम है उनमें भी अगर ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आज तक ये मेरे ख्याल में कंप्यूटर लैब भी नहीं होंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर हम बेसिक से ही ये बच्चों को इस तरफ ले जाएंगे तो उनके लिए आगे जाके आसानी होगा। मैं समझती हूँ कि अगर आप बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के देखें, माँ सिवाय चंद अजला के हमारे पास नेट की अवेलेबल नेट भी नहीं है, जहाँ 3G 4G हमारे पास नहीं है, तो वहाँ हमारे बच्चे क्या डिजिटल स्कूल्स में जाएंगे, क्या वहाँ ऑनलाइन क्लासे लेंगे। तो मैं समझती हूँ बलूचिस्तान के साथ बहुत ज्यादती है, जो भी बलूचिस्तान में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करते, लेकिन वो हमारे साथ सेंसियर रहे और वो हमारे नौजवान जो नस्ल है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसके लिए वाकई कुछ करे, क्योंकि हमें बहुत सख्त जरूरत है इन चीजों की। अगर मैं आमना साहबा आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपने बलूचिस्तान के इस टाइम कितने डिस्ट्रिक्टों को फोकस किया है, अगर वो मेरे साथ शेयर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जफर कादिर साहब इसका बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि इससे हमने पहले भी फिलहाल तालीम फाउंडेशन का तालीम फाउंडेशन इस वक्त काम करिए बलूचिस्तान के अजला में, वो है कोलू, डेरा बुगटी, जोब, लोरालाई, किला सैफुल्ला, पिशीन और मस्तूम में पहले काम कर रही है। अभी चूंकि टेक्नोलॉजी सोल्यूशन वाला है, तो इसमें कोशिश करें कि क्वेटा डिवीजन लें, वहाँ पे आम तौर पे टेक्नोलॉजी बेहतर अवेलेबल है बनिस्बत बाकी दूर के इलाकों के। बाकी फिर क्वेटा डिवीजन साहब, हम भी फिर हम आपसे यही एक्सट्रा कहना वहाँ जाएंगे चाहेंगे बाकी कि इलाकों में। जी बताइए। जफर साहब, हम भी आपके साथ ये चीज जरूर शेयर करना चाहेंगे कि हमारे जो भी पॉलिसी बनते हैं या जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, वो स्टार्ट क्वेटा से लिया जाता है,
क्योंकि क्वेटा हमारी कैपिटल है, क्वेटा में हमारी क्वेटा में हमें तमाम तर फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन हमें क्वेटा से बाहर निकल के काम करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने मस्तूंग और बारकान की यहाँ तस्करा किया, तो मैं समझती हूँ ये हमारे वो डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ हमें इन चीजों की जरूरत है। अगर ये दो डिस्ट्रिक्ट आप ले लेंगे, इसमें आपका ये सिस्टम फहाल होगा, तो आगे जाके और दो डिस्ट्रिक्ट और हम आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे, ताकि ये चीजें हमें, मतलब हम चाहते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ कहने की हद तक ना हो। मेरी बातें जरा जज्बाती होंगी अपने सूबे के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ हम तालीमी लिहाज से बहुत पीछे हैं। अगर हम तालीमी मैदान में आगे जाएंगे तो हम पाकिस्तान के साथ कम्पीट कर सकेंगे। दुनिया तो हम बहुत मुश्किल है अभी तक हमारी, हम पाकिस्तान के साथ कम्पीट करना चाहते हैं। बलोचिस्तान भी पाकिस्तान है, बलोचिस्तान भी पाकिस्तान है। मैं एक बात पाकिस्तान है बेशक, लेकिन हम अपने जो ग्राउंड रिलेटिव्स को देखते हैं तो पाकिस्तान से डेफिनेटली हम बहुत पीछे। आप अगर देख ले, हमने साहिबा इस टाइम जो COVID-19 के बाद ऑनलाइन क्लासों का सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो हमारे माँ सिवाय क्वेटा के अलावा एक दो डिस्ट्रिक्टों में हमारे पास ये ऑनलाइन क्लासे ही मौजूद नहीं थे। हमारे बच्चों से तकरीबन तमाम वो हमने लैपटॉप भी उनको लेके दिया, हमने कंप्यूटर भी उनको लेके दिया, इवन कि हमने प्रोजेक्टर भी उनको लेके दिया, लेकिन हमारे पास नेट की जो सहूलत अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे। मैंने खुद बहसियत मेंबर नेशनल असेंबली, मैंने फ्लोर पे ये कहा है कि हमारे साथ क्या जुल्म है कि पिछले 3 सालों से हमारा 3G 4G बंद है। तो मतलब जरा ज्यादा जज्बाती हो गई, इंशाल्लाह हम आपके साथ।